पंचायत चुनाव की तारीख तय होने के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल आमने सामने तैयार नजर आ रहे हैं। जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए चुनाव से भागने की बात कही, तो वहीं बीजेपी के साधे इस निशाने का जवाब देते हुए कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। देखिए, कांग्रेस के बारे में मुझे कुछ बहुत कहने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जनता जो परिणाम दे रही है वो कांग्रेस जानती है। कांग्रेस कोई भी चुनाव है उस चुनाव से भागना चाहती है। उनके नेता, उनके कार्यकर्ता तो भाग ही रहे हैं। अब कांग्रेस के नेतृत्व को लगता है कि चुनाव में जाएंगे तो हमको मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए वो पंचायत चुनाव में डॉल करेक्टर के साथ कभी ये कहते हैं और कभी कुछ करते हैं। तो जिस प्रकार से वो, अगर उनको लगता है कोई लेकुना है तो ये किसी का भी सबका अधिकार है, लेकिन चुनाव में मैदान में उतरना चाहिए। उसको छोड़ करके चुनाव कैसे रुके, पंचायत चुनाव न हो, जो लोकतंत्र का मजबूती का सबसे बड़ा आधार पंचायती राज की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत नीचे के हमारे सभी जनप्रतिनिधि चुन करके आएंगे, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था तो मजबूत होगी ही। जो विकास का एक रास्ता बना है पंचायती राज व्यवस्था के कारण गांव-गांव के अंदर, उसमें भी व्यवधान होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय किया, माननीय चुनाव आयोग ने इलेक्शन डिक्लेयर किया, लेकिन कांग्रेस लगातार प्रयास में कि चुनाव व्यवधान हो जाए और चुनाव न हो, तो ये कांग्रेस लगातार एक दोहरी नीति के साथ जो प्रयास कर रही है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये चुनाव पंचायती राज व्यवस्था के, ग्रामीण निकाय के और नगर निकाय के चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर होंगे और मध्य प्रदेश को मजबूती मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन चुनावों में ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीत करके आएंगे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता लगातार जनता के साथ गांव-गांव के अंदर बूथ-बूथ पर काम में लगे हैं। इस आधार पर मैं कहता हूं, गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर जो हर गरीब का जीवन बदलने का काम मध्य प्रदेश के अंदर कर रही हैं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो, तो इन चुनावों में जनता भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को जो भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर खड़े होंगे, क्योंकि सिंबॉलिक चुनाव नहीं है ये, चुनाव बिना सिंबॉल के होता है, लेकिन कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा के कार्यकर्ता ऐतिहासिक बहुमत के साथ इस चुनाव को जीतेंगे। पूरी तरह तैयार है। वीडी शर्मा जी और उनकी पार्टी बीजेपी समझ लेगी, आपने जो सरकार बनाई है खरीद फरोख बनाई है और आप लोगों का विश्वास केवल खरीद फरोख में है, और इसीलिए आपने जो कमलनाथ जी की सरकार ने जो 2019 में परिसीमन और आरक्षण किए थे नए, जिससे 1000 से ज़्यादा पंचायतें बढ़ रही थी, उसको आपने कैंसिल करके अध्यादेश के द्वारा आपने 2014 का से चुनाव की बात की। अब भाई विधानसभा लोकसभा में परिसीमन होते हैं, उसमें भी हर 15-20 साल में सब चेंज होता है, तो ये इतना पुराना अगर कांग्रेस ने या विधानसभा ने वो किया था, बदलाव किया था, तो आपको अधिकार नहीं था अध्यादेश के जरिए, क्योंकि संविधान का पार्ट है और इसलिए आपने संविधान के खिलाफ बात की है। इसलिए कांग्रेस नहीं गई, दूसरे लोग गए हैं, जो पीड़ित लोग हैं वो गए हैं। कांग्रेस पूरी तरह तैयार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब बात होगी तो यही बात होगी कि 2019 का जो परिसीमन है, जो आरक्षण है, उस पर होना चाहिए। आप 2014 तारीख को जिला पंचायतों का परिसीमन वो करा रहे हो आरक्षण, लेकिन ये जो हुआ है इसको गलत ठहराओ, ये गलत है। कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और पंचायत का चुनाव जब भी होगा, कांग्रेस कमलनाथ जी ने समितियां बना दी है, जिले के अंदर समन्वय करके लोगों को चुनाव लड़ाएंगे और कांग्रेस जीतेगी, हर हालत में जीतेगी।